बाबा ने बोला विश्व की बादशाही तुमको जगदम्बा के थ्रू मिलेगा। वो विश्व की बादशाही मिलने वाली बात अलग है, वो बाप देने वाला है और बीच में निमित्त बनाता है जगदम्बा को। इसलिए निमित्त बनाता है कि कन्याएं माताएं जो है वो प्योरिटी को पालन कराने में सबसे आगे जाती है। इसी प्रकार से राजयोग भी नहीं, सब उल्टा पलटा ज्ञान नहीं सुना ना किसी को। पढ़ाना बात अलग, पढ़ाना बात अलग और सिखाना सीखना बात अलग। बाबा जो दस धर्म के दस बीज है, दस धर्म है और उनके धन दस बीज, तो आपने जो इंद्रिय दस है उससे अगर कनेक्शन लगाए तो नास्तिक धर्म की इंद्रिय कौन? नास्तिक धर्म वाली जो आत्मा है वो कोई पद नहीं पाती। जो पद नहीं पाती है वो कर्मेंद्रिय सबसे नीचे दिखाई जाती है। हाँ जी, और काम जीते जगत जीत कहा है तो क्या इस्लाम को जीतने से जगत जीत होंगे? पहले कौन मरेंगे? बाबा 40,000 लोगों की जो कंजन का है होगी वो बाहर का, बाहर की दुनिया का एक भी आदमी नहीं देख सकेगा। ऑफिस कोई एकदम एक सेकंड में हो जाएगा क्या? एक का भी कंचन काया हुई कोई भारतीय दुनिया वाला देख सके? जिसकी कंचन काया 100% बन गई, निरोगी काया बन गई, वो इस पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाएगा या अटैच होकर के रहेगा? लेकिन कोई देख सकेगा क्या? जब डिटैच हो गया तो देखेगा कैसे? दूसरा कोई देखेगा? कोई दूसरा नहीं। जो डिटैच हुए हैं वही देखेंगे, वो अपने आप में संपूर्ण हो जाएगा। हाँ जी, बोलने का मतलब था बाबा कि वो एक्चुअल उस स्वर्ग में होगा या संगम भी स्वर्ग में होगा? संगम भी स्वर्ग में ही होगा लेकिन बाहर की दुनिया से डिटैच होगा। बाहर की दुनिया वाले ज्ञान नहीं अमर देख नहीं पाएंगे? नहीं, देवताओं नहीं ज्ञान नहीं अमर करते नहीं होगी, वो एक और बेहद की बात। हाँ जी बाबा, जैसे कहा है शिव बाबा को कहेंगे शिव शंकर भोलेनाथ में क्या फर्क है? फर्क बताओ पहले। माने शिव शंकर भोलेनाथ साकार में नहीं, वो भी है ये भी है। बाबा मन जीत और जगत जीत बोला बाबा ने, मन जीत वो जय जगत जीत बोला है और माया जीत जगत जीत बोला है और काम जीत जगत जीत बोला है, तो तीनों की कॉम्बिनेशन कैसा है वो? माया बुद्धि को भरमाती है, बुद्धि को घुमाई देती है और इंद्रिय जो है वो शरीर का पतन कराती है और मन जो है वो इंद्रियों का पतन करा देता है। मन हुआ ब्रह्मा। हाँ गणेश को डुबाने के पीछे रहस्य, जो देवियों को डुबाने के पीछे रहस्य है वो गणेश को डुबाने के पीछे रहस्य है। अभी तो बताया कि गणपति, जो गणपति है देवताओं का पति, वो गणपति वास्तव में गणेश है, शंकर जी का बेटा जिसे कहा जाता है, या शंकर जी खुद है गणपति? वास्तव में गणपति कौन है? सब देवताओं का, सब देवताओं का देव देव महादेव कौन है? एक ही है ना, तो इसलिए दिखाया गया है कि वो डूबी जा उनकी हो जाए तब जो असली है वो प्रत्यक्ष होगा। जो भी ये और देवताएं हैं, चाहे वो गणपति हो या कोई भी देवताएं हो या देवियां हो, उनकी जब तक पोल पट्टी न खुले तब तक उनकी डूबी जा
नहीं हो सकती। और जब उनकी पोल पट्टी खुल जाती है तो एक ही आकर के पोल पट्टी खोलता है। सच्चाई एक ही है, वो सत्य खुद आकर के बताता है कि एक सत्य है और बाकी सब असत्य है। धरती पर, जब धरती पर तीन भाग पानी और एक भाग धरनी दिखाई गई है जहाँ मनुष्यों की बस्ती बसी हुई है, लेकिन भुला हुआ की शुरुआत में सिर्फ जम्मू भी छोटा है, बाबा इसका बेहद मतलब क्या होगा? मतलब सारा सारा सागर ही सागर और धरती बहुत थोड़ी होती है। धरती कन्या है, माता है या पुरुष है? कन्या माता है। कन्या माता जो माताएं होती है, जब तक जितनी ज्यादा प्योरिटी है तो उनका छोटा रूप होता है या बड़ा रूप होता है? छोटा रूप होता है। और जितना जितना उसका बदल बढ़ता जाता है तो रूप बढ़ता जाता है। एक भाग क्यों बताया? तीन भाग पानी और एक भाग धरती बताया। हाँ, एक भाग ऐसा क्यों कर दिया? मतलब चार भाग क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि सागर सात है, सात भागों में सागर को डिवाइड किया है। शुरू में जब जमीन भी होता है और बाकी तो पानी 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 होता है बताया हुआ है। शुरुआत में बोला कि जमीन भी बचता है, हाँ जी, बाकी तो पानी पानी होता है। माना जब 9 लाख या कच्चू की जो शुरुआत होगी तो मतलब जम्मू जीप कली जाए या उत्तराखंड निकल जाए, थोड़े थोड़े मतलब प्रांत में आप नहीं रहेगी, बाकी समय तो जल ही जल रहेगा। तो बाकी जो बस्ती जो विदेशियों की और धर्म की आत्माएं जो निकलती आती है तो उनके लिए जो भूखंड ऊपर आता जाता है उसका बेहद में मतलब क्या है? उनके जो धर्मी मिलती जाती है बाकी धर्म वालों को, उसका बेहद में मतलब क्या है? उनकी धर्मी प्रत्यक्ष नहीं होगी? तो जैसे जैसे फिर वो आत्माएं आती उनकी धरणी प्रत्यक्ष होती जाती है। जो आत्माएं आएंगी तो उनके लिए धरणी प्रत्यक्ष होनी चाहिए या नहीं? उनका आधार नहीं मिलना चाहिए? तो आधार क्यों मिलता है? एक के लोगों में लीन होते हैं, तो जैसे युगल मूर्ति एकदम बन दिया है उदाहरण, जैसे उसको कुछ पता नहीं पड़ता है बाहर क्या हो रहा है, ढोल बज रहा है या पटाखे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं या पटाखे बज रहे हैं उसको पता नहीं पड़ता है क्या? एक के लोगों में लीन हो जाता है। बंदूक का उदाहरण दिया था मैंने, तो वो आत्मिक स्टेज में अगर कहीं भी आत्मा होगी वंचित स्टेज में रहेगी तो फिर उसके लिए वंचित तो उधर ही होगा ना। जो एक के लव में लीन होगा उसके ऊपर दूसरे का असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब है कि एक के लव में लीन नहीं है। माना के लिए देखना न देखना बराबर होगा ना? हाँ, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। क्या बाहर वाले देखेंगे बाहर वाले? मैंने बाहर की दुनिया वाले जिन्होंने पूरा ज्ञान समझाई नहीं है, जिन्होंने राजयोग सिखाई नहीं है, उन्हीं की बात बताई। हंस और बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते, ये बात अभी के लिए है या आज के लिए? मना इकट्ठे रह न सके माने अंत में ऐसी स्टेज आ जाएगी कि हंसों के ग्रुप में ही रहना पड़ेगा जो ज्ञान रतन चुगने वाले हैं। जो ज्ञान रतन चुगना पसंद नहीं करते उनके साथ हम रह नहीं सकेंगे। या वो हमको रहने ही नहीं देंगे। वातावरण अभी भी बना हुआ है ना? अभी अगर 100% ऐसा वातावरण बना होता तो बाप के साथ भाग जाते। रचयिता को जानना सहज है और रचना को जानना मुश्किल है बोला है, तो रचयिता तो सार हो गया, सार में सारा हमारा बीज हो गया, बीज में तो सारा झाड़ आ जाता है, उसी रचयिता को बोला है झाड़ आ गया, विस्तार आ गया ना, विस्तार तो रचना हो गई। फिर ऐसे की बोला कि रचयिता को जानना सहज है और रचना को जानना। पहली रचना कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा जो है
और जो जगदम्बा को रचने वाला है रचयिता, तो उनमें मिकैती किसने होती है? जिसमें मिकैती होगी उसको जानना सहज है, या जिसमें मिकैती है नहीं उसको जानना सहज है? बाबा एक वाक्य आया कि शंकर जी भिक्षा मांगने जाते हैं तो अन्नपूर्णा उसको भरपूर करती है। हाँ जी, अन्नपूर्णा कौन है? पहले पहले कौन सरेंडर हुआ? अन्नपूर्णा नहीं है। अन्न माने अनाज, अनाज माने खुराक, खुराक माने योग की खुराक, योग माने स्पीति। कितने है नंबर वाली उसकी खुराक? हाँ जी बाबा, लेकिन अगर पूर्ति हो गई तो छोटी माँ के लिए आज क्यों रुके हो? पूर्ति अगर हो गई, एक होता है बाहर से पूर्ति करना तो असली अंदर, और एक होता है अंदर से पूर्ति करना असली अंदर। इसलिए असली असली गीता कौन हुई? शिव की गीता से एक सेकंड में स्वर्ग, और कृष्ण की गीता से ढाई हजार वर्ष में दुनिया नरक, 5000 वर्ष में कह दो। अच्छा बाबा, भरत के लिए कहा है कि भरपूर करने वाला, भरत पोषण करने वाला, तो अन्नपूर्णा देवी भी भरत पोषण भरत के लिए भी बाबा ने कहा है जिसने भरत पोषण किया। हाँ, तो अन्नपूर्णा का भरत, अन्नपूर्णा ने भरत पोषण किया। भरत पोषण शरीर का होता है या आत्मा का होता है? किसने किसका भरण पोषण किया? अरे साथ देना बाबा, सहयोग करना। नहीं नहीं, अन्नपूर्णा ने कौन सा भरण पोषण किया और भरत ने कौन सा भरण पोषण किया? भरत ने स्थूल किया होगा। हाँ, तो जिसने स्थूल किया उसको सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है कि कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है और वो उसको दे रहा है। अन्नपूर्णा देवी योगिनी बोला योगेश्वर के साथ, उनको नहीं देंगे? हाँ जी, जो योगिनी का है योगेश्वर के साथ उनको अन्नपूर्णा नहीं दे सकते? एक होता है अल्पकाल के लिए समय पड़ने पर पूर्ति करना, और एक होता है आज से अंत तक पूर्ति करना और सहयोगी बनना। उन दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा? संपूर्ण योगी कौन हुआ? जो आज से अंत तक योगी बनकर के रहे, तो वो सूर्यवंश में होगा या चंद्र में, चंद्रवंश में होगा? सूर्यवंश में होगा। एक सेकेंड का फिक्र होगा, सीधी जो माताएं हैं मतलब केवल बाबा बाबा जानती हैं, बड़ी बड़ी नहीं है, तो उनको इंक्लूजन होगा बाबा का कि भागो होगा उनको, उन माताओं को और ज्यादा होना चाहिए। मतलब बुद्धि तो ना बाबा के साथ रहती है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, तन के द्वारा, धन के द्वारा, पर घर परिवार में रही पड़ी है, आपको इंक्लूजन होना चाहिए। हाँ, ये किसने कहा कि नहीं होगा? मैं भी आपको पूछ रही हूँ, होगा होगा। और एक सेकंड और बाबा, मगर सर्दियों में मतलब दीवारें नहीं है, महल नहीं है, तो फिर राज गद्दी पे कहाँ बैठेंगे? सचिव में अनुशासन की जरूरत है, समझ नहीं? वहाँ कोई अनुशासन ही नहीं होता है। जब कोई अनुशासन ही नहीं है तो गद्दी की और ताज की दरकार है? वहाँ जब आदमी थकान होती है तो सोने की दरकार होती है, आराम करने की दरकार होती है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाए। जहाँ थकान होगी ही नहीं, अभी भी बाबा ने बोल दिया है योगियों की 4 घंटे की नींद काफी है, तो जब यहाँ ही 4 घंटे में हम अपनी पूर्ति कर सकते हैं तो देवताएं कितने आगे होंगे? अभी तो याद की स्टेज ही नहीं है ना के बराबर।
जब संपूर्ण आत्मिक स्टेज बनेगी तो शरीर की थकान की बात खत्म हो जाएगी। बोला आबू रोड से माउंट आबू तक दौड़ते चले जाओ, बाप की याद में दौड़ते चले जाएंगे तो थकान नहीं होगी। तो वहां सोने की दरकार होगी? जबकि लेते ही तब है जब शक्ति नीचे क्षीण होना शुरू होती है। सतयुग में चार कला कम होती है ना बाबा? है सतयुग में चार कला कम होती है। सतयुग में थोड़े ही, त्रेता में कहो ना, चार में दो दो कलाएं, दो कलाएं जो त्रेता में कम होती हैं, या आठ कलाएं त्रेता के अंत तक जो कम हो जाती हैं, उनको ये नहीं कहेंगे स्थूल इंद्रियों या कर्मेंद्रियों से क्षरण हुआ। क्या कर्मेंद्रियां क्षरित नहीं होती, वो ज्ञान इंद्रियों का क्षरण होता है, इसलिए उतना ज्यादा पतन नहीं होता है। द्वापर से ही पतन होता है, द्वैत भाव द्वापर से शुरू होता है। बाबा अभी जो पीछे वाले ना शर्मा कुमारी वाले ना, मुरली के पॉइंट किताब में नहीं डालते, भक्ति मार्ग की किताब पॉइंट डालने लगे। तो वो क्या कह रहे थे कि जो एडवांस के लोग है ना, अपना ये मुरली के पॉइंट चुनाकर यहाँ से लेके जाते हैं। अभी वो नई नई किताबें देवताओं के फोटो डालने लगे, देवताओं के देवियों के फोटो डालने, तो ऐसे करने लगे। तो भक्ति कहाँ से आती है, रावण से आती है या राम से आती है? तो जो रावण संप्रदाय के आधारभूत होंगे, जो बीज रूप होंगे, वो अपना भक्ति मार्ग का टंटा घंटा फाउंडेशन कब डालेंगे? वो सोचते हैं कि ऐसे करेंगे तो एडवांस में जाएंगे नहीं, जो आने का पाएंगे तो। हाँ वो रामदेव तो फिर भी अच्छे हैं, और जो तांत्रिक लोग भूत पोतों की पूजा करने वाले उनको गुरु बन करके बैठे हैं, वो तो बहुत ही बेकार बात हो गई। रामदेव का भी समर्थन ज्यादा मिल रहा है पूरी दुनिया में। हाँ जी बाबा, रामदेव का ज्यादा समर्थन मिल रहा है वहाँ, भक्ति मार्ग का रामदेव है। वो देह की प्रक्रिया सिखाता होगा तो ज्ञान मार्ग का भी रामदेव होगा। ब्लड प्रेशर वगैरह बाबा जो उसका शरीर की जो कठिन कठिन बीमारियाँ जो है वो भी उसकी राजयोग मतलब उसके योग से जो है काफी, वो बीमारियाँ सदाकाल के लिए खत्म हो जाती हैं या अल्पकाल के लिए खत्म होती है? जब तक उसका सीखेंगे उसके इसमें रहेंगे तब तक खत्म रहेगी, और उसके बाद छोड़ दिया तो ठीक हो जाएगी। कोई भी नई आत्मा ऊपर से आती है तो करिश्मा दिखाती है, पावर होती है उसमें। थोड़े समय तक ये करिश्मा चलता है और बाद में ठंडा हो जाता है। मतलब ये डबल योग है, ये आती योग और दीदी राजयोग के कारण राजयोग सिखाया जा रहा है, डबल योग आपको सिखाया जा रहा है। डबल योग सिखाया जा रहा है। बाबा बाबा ने मुरली में बोले देवताओं के अंगों का पूजा होता है, जैसे कमल नयन कमल अंक, तो कमल के साथ कंपेयर करके करते हैं कमल की प्योरिटी के हिसाब से। बाबा ने बोला शिव बाबा का तो लिंग का पूजा होता है लेकिन इसका कमल के साथ कंपैरिजन नहीं होता, वो क्यों नहीं होता बाबा? कमल तो कीचड़ में रहकर पवित्र रहता है ना, वही आज कीचड़ी दुनिया में रहकर निराकार स्टेज को धारण करना ये ऊंची बात है, तो फिर वो कमल के साथ क्यों नहीं उसका कंपैरिजन होता? शिव जो है वो इस सृष्टि पर आता है, पतित से पतित तन में आता है, जिस पतित तन में आता है वो कीचड़ है क्या है? हा? वो क्या है? कीचड़ है, कीचड़ है ना, रोगों से भरा हुआ है ना, निरोगी है या रोगी है? रोगी है, तो जिस रोगी तन में आता है उसकी यादगार है शिवलिंग,
जो लिंग बना हुआ है वो काई की आधार प्रजापिता के शरीर की रथ की यादगार है ना, तो कीचड़ को कीचड़ में क्या रखेंगे? जैसे जैसे संगम युग का टाइम व्यतीत होता जाता है, टू लेट का बोर्ड लगने का टाइम आता जाता है, वैसे वैसे एक एक सेकंड की वैल्यू बढ़ती जाती है। हाँ जी, बच्चों को जन्म देंगे अपने पार्ट को पहले जान लें, उनके प्रवेश करने के बाद जानेंगे। इसमें प्रवेश करने के बाद जानेंगे, साढ़े चार लाख जीव आत्माएं हैं। हाँ, बच्चों को जन्म देंगे हमने। हाँ, वो हमारे अंदर जब प्रवेश करेंगे तब उनको हमारा पार्ट पता चलेगा, या उसके पहले उनसे जन्म लेने वाले प्रवेश करेंगे उनकी बात। हाँ, वो तो इंस्पिरेटिंग पार्टी है, वो इंस्पिरेटिंग पार्टी जब तक प्रवेश न करे तो इंस्पायर कर ही नहीं सकती। वो आत्माएं देव आत्माएं हैं, उनमें प्योरिटी की पावर जागती है, और हमारे में इतनी प्योरिटी की पावर नहीं है। हम ज्यादा पतित बने या चंद्रवंशी ज्यादा पतित बने? चंद्रवंशी ज्यादा पतित नहीं बने, सूर्यवंशी ज्यादा पतित बने। इसलिए उनमें वो आत्माएं जब प्रवेश करती हैं तो उनकी बुद्धि को इंस्पायर करती है। हो सकता है कि बेसिक नॉलेज लेने वाले जो हों, जब बेसिक नॉलेज लेते हों तो उसमें वो बेसिक ज्ञान जानने वाली आत्माएं प्रवेश करके उनको बेसिक नॉलेज लेने के निमित्त बना देती हूँ। बाकी एडवांस ज्ञान तो उनमें होता ही नहीं, लेकिन गुरु रह गए और चेले चक्कर हो गए, तो हिसाब हो जाता है। मुझे इंस्पायर करने वाली आत्माएं हैं वो एडवांस ज्ञान की तह तक नहीं पहुंच पाती, और जिनमें प्रवेश होता है वो उस स्टेज तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो बीज रूप स्टेज वाली आत्मा है, उनकी बीज रूप स्टेज सहज बन जाती है। बाबा सवा दो लाख विजय माला के और सवा दो लाख उदय माला के बनती है। हाँ जी, तो जो प्रवेश करने वाली विजय माला में जो इंस्पायर करने वाली जो होगी, बच्चे जो प्रवेश करेंगे वो कौन से होंगे, और उदय माला में जो प्रवेश करेंगे वो कौन से रहेंगे इंस्पायर करेंगे? जिनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी, और जिनमें प्योरिटी की पावर कम होगी, जो पुरुष वृत्ति के माँ के हैं उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी, या जो स्त्री वृत्ति के मड़के हैं उनमें ज्यादा होगी, उनमें जाती होगी तो अंतर पड़ जाएगा। जैसे हरा कलर बाबा ने विषय भी ग्रहण कहा है, और जो सतयुग में धरती दिखाई हरी, और जो महल दिखाए सोने के कलर के दिखाए, सिल्वर कलर गोल्डन कलर, तो जो हरा कलर है इस्लामी कलर है, विषय भी कलर सतयुग में वो इस्लाम धर्म के हाथ में मौजूद क्यों होंगी मर्ज रूप में? पांडवों के साथ कुत्ता जाता है कि नहीं? एक कुत्ता जाता है, एक का तो मिसाल दिया जाता है, एक ही अर्जुन था क्या? एक ही भीम होता है क्या? पूरी धरती एक ही द्रौपदी होती है क्या? वो ग्रुप होता है उनका पूरा का पूरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाथ उठा के बोलो ना। हाँ हाँ, बाद वाले साथ नारायण अतेंद्र सुख तो पाते हैं क्या? नारायण बाद वाले साथ नारायण, नारायण अतेंद्र सुख पावेंगे? पाते हैं क्या, पूछ रहे हैं। वो पूरा ज्ञान समझते हैं क्या? तो उनके बच्चे जो प्रिंस पढ़ते हैं, हाँ, वो दो राजा के बीच में आते हैं। हाँ, तो वो तो पाते हैं ना? हैं? दो राजा के बीच में आने वाले अतेंद्र सुख पाते हैं ना? तो नारायण उनको जन्म देते, नारायण के बच्चे बनते। वो प्रवेश करते हैं कि नहीं बीज रूप आत्मा में?
नारायण नारायण मध्य जन्म लेने वाले बच्चे प्रवेश करके पाठ बजाते हैं या नहीं? बजाते हैं ना, तो प्रवेश करने वाली आत्मा अनुभव नहीं करेगी। नारायण ही तो जन्म देंगे। हाँ हाँ, जो नारायण जन्म देने वाले वो इस समय मौजूद है या नहीं है? जो मौजूद है इस समय वो प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं या नहीं बजा रहे? बजा रहे। तो वो अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। खत्म बात। मुरली में बोला है कि शिव धोबी है और शंकर हजाम है, ठीक है? लेकिन एक मुरली में बोला है कि जो बाप को नहीं जानते वो हजाम है। हजाम के बच्चे क्या होंगे? बाप को नहीं पहचानते वो हजाम है। हाँ हाँ, जो बाप के बच्चे बाप को नहीं पहचानते हैं वो हजाम है। अब शिव प्रवेश करता है हजाम में, सबकी हजामत कर देते। तिरुपति में जाते हैं तो क्या करके आते हैं? हजामत करके आते हैं नहीं? परंतु वो स्वयं ही बाप है ना बाबा। हाँ, वो स्वयं ही बाप का पार्ट है। एक आत्माओं का बाप है और एक देहधारियों का बाप है, अंतर नहीं है? उसके आगे सारी दुनिया झुकती है बाबा। झुकेगी तो पूजा तो तब करेगी जब संपन्न बन जाए कि पहले ही संपन्न बन जाए। अभी क्यों नहीं झुक जाती सारी दुनिया? झुक तो रहे ना, नंबर वाले झुक तो रहे हैं, नंबर वाले झुक तो रहे हैं, और सामने आके झुक जाते हैं और पीछे से अजब उनके हजामत नहीं करने वाला होगा। जो हजाम होगा वो हजामत नहीं करेगा। हजाम होगा तो हल्का करेगा ना, तो हल्के हो जाएंगे या भारी हो जाएंगे? हाँ, लेकिन और दुनिया में ना हजाम को मतलब ये बोलते हैं, मतलब अकल नहीं क्या हजाम है क्या, ऐसा मत नहीं बोलते, इतना भी समझते नहीं कि तो हद के हजाम और बेहद के हजाम में अंतर होगा कि नहीं? हद का बासर में और बेहद का बासर में सुबह कहते मैं बासर में धोबी बन करके आता हूँ, तो तुम जो बेहद का धोबी है उसको हद के धोबी में मिला दोगे? कंपेयर तो मतलब कंपेरिजन करो, लेकिन हद और बेहद का भी ध्यान रखो ना। सूर्यवंशी 12 बोले हैं, चंद्रवंशी 12 पहले दो है, सूर्यवंशी 12 और चंद्रवंशी 12। हाँ जी, सबसे पहले हम कहेंगे सूर्यवंशी। क्या? सूर्यवंशी जो है 12 है और चंद्रवंशी 12। हाँ जी, ये पहला ग्रुप हो गया। पहला ग्रुप क्यों हो गया, दो ग्रुप हो गए? ऐसा शुरू हो तो सूर्यवंशी जो भी होंगे वो चंद्रवंशी को सूर्यवंशी कहेंगे। दोनों मिलेंगे ना तो? हाँ, तब तो सूर्यवंशी कहेंगे उनको। हाँ हाँ, जब वो तो जो सातों आठों धर्म है जब मिलकर के एक हो जाएंगे, उसकी मत में मिल जाएंगे तो सारी सूर्यवंशी हो जाएंगे। ये क्या बड़ी बात हुई? नहीं, अभी सभी कहेंगे। जब एक की मत में सब मिल जाएंगे तब सूर्यवंशी होंगे या बिना मिले ही हो जाएंगे? बिना मिले ही, बिना मिले नहीं, बोले हम लोग कहेंगे सूर्यवंशी कहेंगे, अभी तो नहीं है। यानी भविष्य की बात बताई ना, 12 सूर्यवंशी असल, 12 है सूर्यवंशी असल और बाकी सब है नकल। हाँ, कहेंगे का मतलब गे भविष्य के लिए बताया। जो भी 9 लाख होंगे वो सारे ही कहेंगे क्या? कहेंगे ना जी, लेकिन उनका प्रैक्टिकल एक्ट भी होना चाहिए ना बाबा भाई। फिर कहेंगे या ऐसे की बात कहने से कोई मानेगा नहीं, उनका एक्ट भी वैसा होना चाहिए। तभी तो दुनिया पूजेगी 9 लाख सितारों को। होगी
नौ लाख सितारे ऐसे संसार में चमक मारेंगे। हाँ जी बाबा, जो सतयुग में जो नहीं संगम में जो भी पद मिलेगा देवताओं को जो भी पद मिलेगा तो पद मिलेगा उसी वक्त कंचन गाय भी हुई होंगे ना कि पद उसके पहले मिलेंगे। पद पूजा जाता है कि बिना कुर्सी के पूजा होना शुरू हो जाती है। हाँ तो फिर जब जब विश्व के मालिक जब बाप के साथ हम बच्चे बनते हैं तो सारी दुनिया देखनी चाहिए ना उनको। देखनी चाहिए का तीसरे नेत्र से नहीं देखा जाता है बाहर की दुनिया। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने या इंदिरा गांधी बनी तो इन आंखों से सबने देखा या तीसरे नेत्र से भी देखा है? इन आंखों से सबने देखा क्या? लेकिन मान तो लिया ना। तो ऐसे ही जो विश्व का मालिक होगा उसको सारी दुनिया मानेगी भले इन आंखों से देखे या न देखे। चंद्रग्रहण अभी 2-3 दिन पहले हो गया और अभी सूर्य ग्रहण 22 तारीख को वापस है जैसे 15 दिन में दोनों ग्रहण आ सकते हैं। चंद्रग्रहण जो है उसका कनेक्शन पूर्णमासी से है और जो सूर्य ग्रहण है उसका कनेक्शन अमावस्या से है। लेकिन इतना नजदीक के ग्रहण 15 दिन का तो अंतर होता है पूर्णमासी और अमावस्या में। चंद्रग्रहण नहीं रहता है, 15 दिन से कम नहीं हो सकता क्या? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में 15 दिन से कम का अंतर नहीं हो सकता, बाकी 15 दिन का अंतर हो सकता है। सूर्य का ग्रहण लगता ही नहीं। वो बात अलग पूछ रहे हैं। सूर्य का ग्रहण नहीं लगता है वो बात सही है, चंद्रमा का ही ग्रहण लगता है। हाँ वो यहाँ की यादगार है। जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिस जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाए रहा है उसके ऊपर जो अज्ञानता का ग्रहण अंधेरा छाया हुआ है वो अंधेरा जब हट जाएगा तो सारी दुनिया में से अंधेरा हटेगा। तो दे दान काहे का दान, रुपए पैसे का योगदान। प्रकृति को प्यार से चेंज किया जा सकता है, वो भी विचारी प्यार न हो, आप भी विचारी प्यार इसने माना योग। योगदान जो है अगर उस आत्मा को मिलेगा तो उसके ऊपर जो ग्रहण है वो छूट जाएगा, नहीं तो प्रकृति तमो प्रधान बनती रहेगी और जितनी जाति तमो प्रधान बनेगी उतना ज्यादा विनाश करेगी। बाबा आए कि नेकी कर और दरिया में डाल। हाँ जी। तो नेकी कर मना कर पूर्व में की आत्मा निराधार स्टेज में प्राप्त होगी। नेकी कर माना जो भी दूसरों की सेवा की है वो सेवा ईश्वर को सागर को अर्पण कर दो। दरिया माना सागर, क्या जो सेवा की है उस सेवा का प्रतिफल अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए कि ये पदमान मर्तबा हमको देगा, हमारा मान मर्तबा बढ़ जाएगा या इससे हम सेवा लेने लगेंगे, हमारा सेंटर बनाए देगा। नेकी कर और दरिया में डाल। नील हो गया। बोला है चलो कोई नहीं। ये सिर्फ
दस करोड़ में साढ़े चार लाख भी निर्मो ही बनता है, मैंने ये 16,000 भी निर्मो ही नहीं बनता है। 9 करोड़ 9 लाख में, 10 करोड़ में, मैंने सचिव क्रेता में आने वाले तो दूसरे दर में साढ़े चार लाख भी निर्मो ही बनता है। और यथा राजा तथा प्रजा ऐसे ही निर्मो ही बनता है, दूसरों में नहीं बनता है। तो दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले वो कैसे बनेंगे? तो 16,000 भी वो तो एक संख्या बता दी है, एक मैंने एक्यूरेट ऐसी गिनती एप्रोप्रिएट नहीं बताई, 4,500 बता दिए। नंबर वन मम्मा जो गीता माता गीता माता नंबर वन मम्मा नहीं है? हाँ चुप हो गए। बाबा मलेशिया के पार्टी के डिस्कशन में बोला है कि अष्टदेवों को 50,000 सूर्यों की जो है उसमें से सिलेक्शन किया है। लेकिन जो अभी सूर्यवंशियों को सिलेक्शन किए जा रहे हैं वो सारे 50,000 में से ही है। मैंने बेसिक नाली वाले में से भी ले लिए, वो बेसिक नॉलेज भी लोग जो लेते चले आए हैं उनको भी गिन लिया। एडवांस में तो 50,000 हुए नहीं अभी। जो बेसिक नॉलेज लेते चले आ रहे और बेसिक नॉलेज लेकर के प्रजा में चले गए, एडवांस में भी थोड़ा बहुत सुन लिया, गहराई से नहीं उठाया, प्रजा में चले गए, उनकी बात है। अभी तक जो बच्चे किए हैं वो तो 13-14 सारे बच्चे किए हैं लगभग। हाँ जो उन्होंने गिनती की है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से बच्चे किए हैं, क्योंकि उनमें से भी बहुत एक तो बैठ गए होंगे। तो उस उनमें से सिलेक्शन किया गया है अष्टदेवों का बाप दादा ने, तो फाइनल परीक्षा तो अभी तक नहीं हुई है। सिलेक्शन किया है तो कोई नाम थोड़ी डिक्लेयर हो गए, अभी नाम तो डिक्लेयर नहीं हुए। सिलेक्शन तो 16,108 का भी हो चुका है, नाम थोड़े ही डिक्लेयर हो गए। अब रंगमंच पे आके अपना पार्ट बजा के दिखाएं तब सब देखें कि इनका यही नंबर होना चाहिए। हम तो इतना पार्ट नहीं बजा सकते बढ़िया। प्रोग्राम से जैसे देखते हैं इस प्रोग्राम से कैसे देखते हैं ना, वैसे ही जो आदमी का अंदर के अंश से जैसा है वैसा देखा जा सकता है। दूर कर कंसंट्रेशन पक्का है तो देखा जा सकता है। इसलिए आपकी एकाग्रता में कमी है तो जैसे ये स्कूल आंखें भी कभी चिलमिला जाती है, कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है, यानी आंखों में डिफेक्ट है। ऐसे भी टीचर है तो डिफेक्टेड है, तो जो चीज है वैसी अंदर की आंख से अभी भी नहीं दिखाई पड़ रही। ये बोलने से कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। वो जो लाल बस्ती का विस्तार ने बोला है ज्ञान सरोवर माना यहाँ ज्ञान का मानस सरोवर, तो इसका मतलब जो बाप का पार के लिए इशारा किया था ज्ञान मान सरोवर उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। नहीं।
मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। मजबूर हो जाएंगे छोड़ने के लिए। परीक्षा तो ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? माला बनेगी कि नहीं, कैसे बनेगी? माया का कोई तो विकराल रूप होना चाहिए। आत्मा 108 आत्मा अहमदाबाद से कंट्रोल करते हैं उसे बताए, तो सारी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं उसे बताए, तो अहमदाबाद में रह के कंट्रोल करते सुखदाम में सुखदाम की आत्मा को कंट्रोल किया जाएगा, देवताओं को कंट्रोल किया जाएगा या सारी दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा? सुखधाम दुखधाम और शांति धाम, शांति धाम में तो कंट्रोल करने की बात ही नहीं, तो ऑटोमेटिक आत्मा शांत स्वरूप में रहेगी। सुखधाम में सुख स्वरूप देवताएं होंगे, उनको तो दुख बांटेगा ही नहीं, वहां कंट्रोल करने की भी बात नहीं, तो कहा जाएगा? और कंट्रोल कहाँ किया जाता है? जब कंट्रोल से बाहर होने की संभावना हो, अनुशासनहीन जहाँ होते हो, डिसिप्लिन तोड़ते हो, वहीं तो शासन किया जाएगा। हम तो 500-700 करोड़ की जो दुनिया है, इसमें विश्व का मालिक हो सकता है? सत्युग में तो सत्युग का मालिक ही रहेंगे। तो जो अहमदाबाद है वो भी एक पांडव भवन बनना है, जहाँ से सारे विश्व का कंट्रोल होगा, जिसकी यादगार में उन्होंने स्वामीनारायण मंदिर बनाई दिया है। लेकिन अब एक चीज नहीं बताया, 16 108 में तीन ग्रुप है, एक उसमें सुखधाम है और एक शांतिधाम है और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलते है, वो भी कंट्रोल करते हैं, वो सब बताए वो कैसा, वो भी सुखधाम और शांतिधाम और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन तीन आत्माओं में सारी सृष्टि को कंट्रोल करता है, उसे एक तरफ करता है। ये कैसे तुम बताया? ठीक है, सूर्य अंशी चंद्रमा की होगा ग्रुप, और वो ग्रुप जो सारी दुनिया को कंट्रोल करता है, ये पाप आत्माएं हैं उनकी दुनिया अलग, जो पुण्य आत्माएं हैं उनकी दुनिया अलग, तीन धाम होंगे, सुखधाम शांति धाम और दुखधाम। सुखधाम सारे वर्ल्ड में होता है या 10-5 करोड़ में होता है? सारे वर्ण में सुखधाम करके वो विश्व का मालिक कौन होता है? विश्व का मालिक होगा तो चलाएगा, लेकिन दूसरे कैसेट में बोला है कि ये मस्तिष्क में वो एक आत्मा व्यभिचार करता है और दूसरों को डिस्ट्रक्शन करने वाला है, तो तीसरी आत्मा उनको मैं प्रेफरेंस देता हूँ, तो इसलिए ही वो धम्मपद में ये स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही
बुद्धि और स्वर्ग के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बुद्धि प्रेम सागर को मैं प्रेम कहता हूँ, नाम हम नहीं ऐसे ही कह सकते हैं। ठीक है, माना जो आत्मा के हाथ में सत्ता आ जाएगी तो सत्ता पाही का ही मदन आई, जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है उसके अहंकार बहुत कर जाता है। अहंकार होने की वजह से वो फिर इतने अहंकार में आ जाती है कि स्वर्ग नर कुछ नहीं, बस सारी सत्ता हमारे हाथ में है। तो तामसी स्टेज है, कार्तिक स्टेज में उनको राज्य मिलता है। जो पहला पहला भक्ति किया है वही आत्मा ज्ञान उठा सकता है, वही सूर्यवंशी का नंबर वन आत्मा बनता है। पहले पहले भक्ति किया है, भक्ति 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 किया, जो पहले पहले भक्ति करते हैं सत्व प्रधान भक्ति करते हैं वो सत्व प्रधान ज्ञान भी उठाते हैं। तमो प्रधान भक्ति करने वाले तमो प्रधान ज्ञान उठाते हैं। सत्व प्रधान ज्ञान माना एक से सुनेंगे, एक का सुना हुआ सुना देंगे। तमो प्रधान माने अनेकों से सुनते रहेंगे, अनेकों की बात अनेकों को सुनाते रहेंगे। जो जो यहाँ सुनने में कन्वर्ट होते रहते हैं, दूसरों दूसरों सुनते सुनाते रहते हैं, वो वहां भी कन्वर्ट होंगे, यहाँ मजबूत होंगे तो वहां भी मजबूत होंगे, कहीं कन्वर्ट नहीं होंगे। तो वो देवी देवता समाज धर्म के पक्के, क्योंकि और धर्म में कन्वर्ट होकर जा न सके, तो कोई तो होंगे ऐसे। लास्ट आत्मा परंतन जाने तक सभी आत्मा सूक्ष्म करेगा, वो कैसे ब्रह्मा बाबा अभी सूक्ष्म बतन में शरीर छोड़ दिया तो सूक्ष्म बतन पड़े कंचन गाया वो भी शरीर छोड़ेंगे सूक्ष्म बतन में पड़े रहेंगे। तब तक सूक्ष्म बतन में पड़े रहेंगे जब तक 500 करोड़ की दुनिया सब खलास न हो जाए। आखिर फिर भी बात को आगे जाना, सूक्ष्म बतन में सूक्ष्म भान बना रहेगा, कुछ सूक्ष्म देहमान। लेकिन अभी तो ब्रह्मा जी को सूक्ष्म बतन में माना दूसरे शरीर में प्रवेश करके रह रहे हैं, तो लेकिन सारे शरीर तक में किसमें प्रवेश करके रहेंगे, इसमें प्रवेश करके नहीं। ब्रह्मा की सोच तो सूक्ष्म मन में अभी है, इसका मतलब वो प्रवेश करके भी तो रह रहे हैं। सारे 4 लाख हैं वो तो दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पार हो जाने वाली है, विशेष आत्मा है वो तो। और दो तरह की है काया, अंतर्भाग शरीर भी है, शरीर रहते हैं अपना शरीर रहता है फिर भी दूसरों में प्रवेश कर जाते हैं। उतना कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं ना, सभी आत्मा को शरीर नहीं मिलता है, सभी आत्मा शरीर छोड़ जाए तो वो भटकते रहेंगे या किसी में प्रवेश 4.5 लाख के अलावा सूक्ष्म बतन में रहेंगे। हाँ वो भटकते रहेंगे, दुनिया का डावाडोल होगा, सारी पृथ्वी हिलेगी, बड़े बड़े मकान टूटेंगे, तो ये इनकी अकाले मौत कही जाएगी कि सकाल मौत कही जाएगी। अकाल मौत ही तो अकाले मौत वालों को कौन सा शरीर मिलता है, शरीर मिलेगा सूक्ष्म शरीर है, लेकिन वो इसी में प्रवेश करके ही रहते हैं या ऐसे घूमते रहते हैं। 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें से एक एक में ऊपर से आने वाली सोल का प्रवेश होता है, वहां तो ऊपर से आके प्रवेश करते हैं और यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ ये उन्होंने प्रवेश करके पाठ बजाएंगे। माना आवाज धर्मपिता में प्रवेश करके पाठ बजाएंगे, इसीलिए मैं ये बताया देहम वा पाते हमें कार्यम वा साधे हमें, ये इशारा देते हुए ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा देकर के
आगे गए थे और ऐसे ही शिवा जी के गुरु कौन थे ऐसे पूछा गया है समर्थ गुरु रामदास, लेकिन वो ब्रह्मा की सोच कैसे बोल सकते हैं? राम का दास कौन बनता है? मैंने हनुमान कौन बनता है? राम लक्ष्मण को अपने कंधे पे चढ़ा के, राम सीता को अपने कंधे पे चढ़ा के कौन दौड़ दौड़ करता है? सारा वजन उठाने वाला कौन है? कोई दे जा रही है? दे जा रही तो है नहीं, इसकी लेकिन पार्टी है गंगा जो पहला ज्ञान को आती है सन्यास आत्मा को पैदा होता थी सन्यास आत्मा हरेक हरेक अपने अपनी जाति को पहले देखता है पहले है अपना कल्याण फिर अपनी जाति का कल्याण मनुष्य भी पहले मनुष्यों का कल्याण करेंगे कि पहले कीड़े मकोड़ों का कल्याण होगा ऐसे ही सन्यासी पहले किसका कल्याण करेंगे सन्यासी पहले सन्यासी का कल्याण करेंगे सूर्यवंशी पहले सूर्यवंशियों का कल्याण करेंगे चंद्रवंशियों का कल्याण करेंगे अपने अपने भगत हैं अपनी अपनी प्रजा है घर में आग लगती है तो बाप पहले दूसरे के घरों में जाके बच्चों को निकालता है कि पहले अपने बच्चों को निकालता है पहले अपने बच्चों को निकालता है तो महाभारत में सबसे बड़ा सन्यासी कौन दिखाया गया है वो अपने को किसकी रचना मानता है गंगा पुत्र कहा जाता है लेकिन ये जो बीज रूप शाखाएं निकले हैं वो गंगा से निकले हैं वो गंगा से निकले हैं फिर किस आधार पर कैसे क्या गंगा पुत्र विष्णु गुरु बीज रूप आत्मा होगी पहली पहली बेजन्मियों में उसके आधार पर ज्ञान के ऊपर निश्चय कर लेती माना माने एडवांस नॉलेज जैसे है तो शुरुआत में जब एडवांस नॉलेज दी गई तो कन्याओं ने सबसे ज्यादा ज्ञान गंगा ने उठाया समय वो जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा वो मौजूद रही होगी कहाँ आती विजय माला ग्रुप ग्रुप में जाते हैं ज्यादा काले बनते हैं कि दूसरे धर्म वाले ज्यादा काले बनते हैं किधर आना चाहिए चंद्रवंशियों को चंद्रवंशियों में जाके मिलना चाहिए या सूर्यवंशियों में आके मिलना चाहिए
हर एक अपने अपने को पहले पकड़ेगा, फिर क्या दूसरे स्कूल को पकड़ेगा। वैसे भी तो दिखाते हैं गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां इलाहाबाद में मिल जाती हैं। मिलने के बाद कहाँ पहुँचती हैं? ठीक है सारण पहुँचती है, पहले ब्रह्मपुत्र में पहुँचती है फिर सागर में जाती है। गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्री ये शिव की शक्तियाँ नहीं है, तो शक्तियाँ शक्तियाँ बिल्कुल यही नहीं हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए ना। उसको बोला है और रानियाँ निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी है। ऊपर वाले बाहर वाले ले जाएंगे, वाले ले जाएंगे, नीचे वाले ले जाएंगे, ये थोड़े ही कहा। हाँ जितने हैं वो पकड़ एडवांस के तंत्र को यहाँ से ज्यादा रुद्र मकान को जा रहे हैं, वो पकड़ते हैं रुद्र माला के पुरुष हैं या स्त्री है? भाव स्वभाव संस्कार से पुरुष है ना, थे कौन आगे जाना चाहिए, ज्यादा प्योरिटी किसमें होनी चाहिए? प्योरिटी होगी वो आगे जाएगा, लेकिन पहले ये ज्ञान लेना। पहले ज्ञान लेना, ज्ञान लेने से क्या होता है? ऋषि मुनि सन्यासियों ने पहले ज्ञान ज्ञानी बने, पहले ऋषि मुनि सन्यासी ज्ञानी बने या पहले ये बाद वाले ज्ञानी बने? ऐसे ही बेहद की दुनिया में बेसिक नॉलेज में ऋषि मुनि सन्यासी पुराने पुराने पहले ज्ञानी बन गए, एडवांस में भी पुराने पुराने ऋषि मुनि सन्यासी हैं पहले ज्ञानी बन गए, फिर पहले ज्ञानी बन करके फिर वो हम कह के बैठ गए परमात्मा सर्वव्यापी बना के बैठ गए या एक व्यापी व्यापी को समझ लिया? सीढ़ी में बोला है लास्ट में टीवी वाले अखबार वाले मजबूर कर दिया और बाप के पास दौड़ के आ गए तो क्या कर पाएंगे, लेकिन जो शुरू शुरुआत में बाप को पहचान लिया और सब जैसे करीब कौन त्यागी बनेंगे? तो कौन त्यागी बनेंगे? तो इसका मतलब लास्ट में अखबार वाले मजबूर करेंगे तभी जो भागेंगे, तो उनके लिए कोई पद नहीं है। तो अभी ध्यान लिया है पहले पहले बीज बोया जाता है वो ज्यादा पावरफुल होता है या बाद में बीज बोया हुआ वो ज्यादा पावरफुल होता है फसल? पहले यही बात है, चारों तरफ से आवाज निकल पड़ी और फिर भागे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? सारी दुनिया ने मान लिया फिर माना तो क्या बड़ी बात, लेकिन अभी जो ज्ञान लिया है सब बंधन में है वो नहीं भाग सकते हैं। नहीं भाग सकते हैं, उनकी बुद्धि तो भाग रही है। शरीर से भागने का महत्व है या बुद्धि के भागने का महत्व है? ज्यादा ज्यादा बुद्धि बांधेली माताओं की भागती है या जो छूटेले हैं उनकी बुद्धि ज्यादा भागती है? याद में बांधेली माताओं ज्यादा भागती है।